Hello and welcome to each and every one of you all and welcome you all on the channel Crystal All. आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल Crystal All पर. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक साइंस की सीरीज चल रही है जहां पर हम साइंस के जो CVET का जो जनरल टेस्ट होता है उसमें हम साइंस डोमेन के जो सिलेबस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें. और आइए शुरुआत की जाए इन क्वेश्चंस की. In 2022, researchers developed a new type of battery using what unique material? 2022 में researchers ने एक नई प्रकार की बैटरी बनाई और उसमें किस material का इस्तेमाल किया गया है. तो अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज ग्राफीन. आजकल ये काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है ग्राफीन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आ रहा है. और दरअसल आप जानते हैं कि क्योंकि ये जो ग्राफीन है ये रिमार्केबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और अपनी स्ट्रेंथ के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, और ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है बैटरीज में इस्तेमाल होने के लिए. तो ग्राफीन की जो बैटरी बन रही है 2022 से, इस वजह से ये न्यूज में है. और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ. विच कंपनी अनाउंस्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन क्वांटम कंप्यूटिंग विद इट्स साइकमोर प्रोसेसर इन द लास्ट ईयर. और ये जो लेटेस्ट सिकमोर प्रोसेसर बना है लास्ट ईयर में, और उसके बारे में कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया था, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए. काफी ज्यादा मीडिया में रहने वाली ये कंपनी है जिसका नाम है गूगल. सो दिस कंपनी इज गूगल. द क्वेश्चन नंबर थ्री इज द CRISPR टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ विच डिसीज. किस बीमारी को रोकने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज बनाए गए थे, हम उसके बारे में बताते हैं. आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको ये CRISPR, आपको इसका फुल फॉर्म हमारे चैट बॉक्स में लिखना है. एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. सो CRISPR टेक्नोलॉजी के माध्यम से जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज बने हैं किस बीमारी को रोकने के लिए, तो आप समझेंगे डेंगू. आप जानेंगे डेंगू फीवर जो कि मॉस्किटोज की वजह से फैलता है, काफी ज्यादा इधर बीच न्यूज में रहा था. इस वजह से डेंगू फीवर को रोकने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज बने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 2021 साइंटिस्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल. साफ हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट किया गया सूरज की रोशनी को और कार्बन डाइऑक्साइड को. इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, तो आप जानेंगे इसके लिए फोटोलिसिस. दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज फोटोलिसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू ऑर्गन इन द ह्यूमन थ्रोट नेम्ड ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड. रिसर्चर्स ने एक नए ऑर्गन का इंसानों में खोज किया है और वो ह्यूमन थ्रोट के पास है. उसका नाम ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड रखा गया है. वेयर आर दीज ग्लैंड्स लोकेटेड, ये ग्लैंड्स कहां पर लोकेटेड हैं? तो जैसे कि बताया गया है इन द ह्यूमन थ्रोट, तो आप समझ पा रहे हैं कि बेसिकली ये कहां पर है, थ्रोट में है. यस, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Which spacecraft launched in 2021 is designated to collide with an asteroid to test planetary defense techniques? Planet ko defense karne ke liye, suraksha dene ke liye ek jo hai spacecraft jo hai launch hua hai 2021 mein, jo ki ek asteroid se takrayega. Aur iska kya naam hai, ध्यान से देखें. इसका सही ऑप्शन है डार्ट, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट. ताकि हम उस एस्टेरॉइड की दिशा को बदल सकें और वो हमारे पृथ्वी से आकर ना टकराए. ये एक नासा का मिशन है जिसकी मदद से हम उसकी मोशन को, एस्टेरॉइड के मोशन को चेंज कर देंगे जिससे वो हमारी पृथ्वी पर आकर ना टकराए. क्वेश्चन नंबर 7. द डेवलपमेंट ऑफ mRNA technology used in COVID-19 vaccines was a collaborative effort involving researchers from various companies. Which of the following companies played a key role? COVID-19 की vaccines को बनाने में किन दो कंपनियों का काफी ज्यादा role था? ये काफी ज्यादा important question है. इनमें से कौन सी कंपनी का काफी ज्यादा role था? तो that is, आपने सुना होगा Moderna. वो कौन सी थी? Moderna कंपनी जो थी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल था, मॉडर्ना कंपनी का. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड
टाइम लिक्विड, साइंटिस्ट ने एक नया स्टेट ऑफ मैटर टाइम लिक्विड डिस्कवर किया है. व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस स्टेट, इस स्टेट का कौन सा स्पेशल फीचर है, और दैट इज टाइम क्रिस्टल फॉर्मेशन. आपको ध्यान होगा टाइम क्रिस्टल के बारे में हम लोगों ने अपनी पिछली स्लाइड में भी बात किया था, पिछली क्लास में भी बात किया था. अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें, वहां पर आपको टाइम क्रिस्टल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2022 अ टीम ऑफ रिसर्चर्स अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन फ्यूजन एनर्जी बाय रीचिंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर इन अ फ्यूजन रिएक्टर. विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज इन फ्यूजन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है फ्यूजन रिएक्शन में, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन. यस, हाइड्रोजन विल फ्यूज टू फॉर्म हीलियम. यस, एंड दैट इज द सेम थिंग विच हैपन्स एट द सन, विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट विच वी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. Next question, question number 10. What innovative technology was used to capture first ever image of a single atom shadow in 2022? Kis method ka istemal kiya gaya hai? So that is your quantum microscopy. That is quantum microscopy, the C option. Quantum microscopy. So C option is your correct answer. Now the next question, we will move ahead. Researchers recently developed a wearable device that can translate sign language into text and speech. What is this device called? Sign language को चिन्ह के जो है language को उसको text और speech में convert कर देने वाला ये जो device है, इस device का नाम क्या है? इसका नाम है hand speak. इसका नाम है hand speak. इसका नाम है hand speak. C option आपका यहाँ पर correct answer है. Next question. In 2021, scientists identified a new organ in the human skull. Human skull में scientists लोगों ने एक नए organ की discovery की, जो कि पहले उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. What is its primary function? उसका primary function क्या है? उसका primary function है blood circulation. उसका primary function है blood circulation. Okay? ठीक है. और इस new organ का नाम क्या है? इस new organ का नाम है ड्यूरा मैटर सेप्टा. ड्यूरा मैटर सेप्टा, क्या नाम है? ड्यूरा मैटर सेप्टा. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम यहां से. क्वेश्चन नंबर 13. द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन नेम्ड R21 मैट्रिक्स एम वॉज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन विच अफ्रीकन कंट्री वॉज इट टेस्टेड. किस अफ्रीकन कंट्री में इसका टेस्ट हुआ था? तो अगेन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मलावी. दैट इज मलावी, बिल्कुल. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्चर्स रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स नेम्ड मेलेसिडिन. मेलेसिडिन नाम का एक एंटीबायोटिक्स बनाए विद पोटेंशियल अगेंस्ट ड्रग्स रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. कुछ ऐसे जो ड्रग्स रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट इसका काफी अच्छा पोटेंशियल है. वेयर वॉज दिस एंटीबायोटिक्स फाउंड, ये एंटीबायोटिक कहां मिला था, ये एंटीबायोटिक कहां पर मिला था? सो दैट वॉज फाउंड इन द एंटार्क्टिक सॉइल. ये एंटार्क्टिक की मिट्टी में मिला था. दैट वॉज फाउंड इन द एंटार्क्टिक सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. अ न्यू स्पीशीज ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स होमो लॉन्गी वॉज रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन विच कंट्री. मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है और इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो होमो लॉन्गी ये आपका कहां पर मिला था? दैट इज चाइना में. दैट इज चाइना. और होमो लॉन्गी को और किस नाम से जानते हैं? होमो लॉन्गी ऑल्सो नोन एज ड्रैगन मैन. ऑल्सो नोन एज ड्रैगन मैन. ड्रैगन मैन ये ह्यूमन एंसेस्टर्स स्पीशीज है, ठीक है ना? और ये कहां पर आपको डिस्कवर हुई है ये चीज? ये चीज कहां पर डिस्कवर हुई है? हार्बिन हेलोंग जियांग. हेलोंग जियांग प्रोविंस में, ये हेलोंग जियांग प्रोविंस है. ये कहां पर है? चाइना में है. और ये यहां पर डिस्कवर हुआ है ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज होमो लॉन्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू टेक्निक कॉल्ड ऑप्टोजेनेटिक्स टू कंट्रोल ब्रेन एक्टिविटी यूजिंग लाइट. व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वर दी प्राइमरी सब्जेक्ट्स ऑफ दिस रिसर्च. किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स यहां पर प्राइमरी सब्जेक्ट्स थे इस रिसर्च के लिए? सो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, आपको पता होगा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से सबसे पहले उसमें इस्तेमाल किया जाता है चूहों के ऊपर. यस, तो यहां पर सबसे पहले उन्हें चूहों के ऊपर ट्राई किया गया है.
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. इन 2022 रिसर्चर्स क्रिएटेड लिविंग रोबोट फ्रॉम फ्रॉग सेल दैट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर दीज बायो हाइब्रिड रोबोट्स. इस प्रकार के बायो हाइब्रिड रोबोट्स के लिए क्या नाम रखा गया है. इसके लिए नाम रखा गया है ज़ीनोबॉट्स. क्या नाम रखा गया है इनके लिए, ज़ीनोबॉट्स. ठीक है ना. तो ज़ीनोबॉट्स बेसिकली क्या है, ज़ीनोबॉट्स बायो हाइब्रिड रोबोट्स हैं. क्या है, बायो हाइब्रिड रोबोट्स हैं. द डेल्टा क्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस विच कंबाइंस फीचर्स ऑफ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन विच कंट्री. ये सबसे पहले किस कंट्री में देखने को मिला था. सो दैट वाज फाउंड इन द यूनाइटेड किंगडम. दैट वाज फाउंड इन यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले देखने को मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू एक्सोप्लैनेट TOI 561b दैट चैलेंजेस एग्जिस्टिंग थियरी ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन इन विच कॉन्स्टिलेशन इज TOI 561 लोकेटेड. ये किस कॉन्स्टिलेशन में है TOI 561, ये जो प्लैनेट आपको मिला है ये किस कॉन्स्टिलेशन में आएगा. तो अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसका जो सही आंसर होगा दैट इज सिग्नस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एवर क्वांटम इंटरनेट नोड वॉज अचीव्ड यूजिंग वॉट क्वांटम फिनोमेना. सो कौन से क्वांटम फिनोमेना में जो ये चीज द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एवर क्वांटम इंटरनेट नोड वॉज अचीव्ड, ये जो फर्स्ट क्वांटम इंटरनेट जो नोड बना था ये किस क्वांटम फिनोमेना के माध्यम से बना था. सो दैट वॉज क्वांटम एंटैंगलमेंट. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है आपको इन क्वेश्चंस से काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा. और आप जो भी बच्चे CUET के जर्नल टेस्ट में आप बैठेंगे तो वहां पर जर्नल टेस्ट में जो आपके पास साइंस का जो सेक्शन होगा आपको उसमें इस प्रकार के सवाल जरूर देखने को मिलेंगे. आप एक बार CUET के गिवन सिलेबस पर आप जरूर जाएं, वहां पर आपको मिलेगा साइंस एंड टेक. और इसी वजह से हम उस साइंस एंड टेक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. हमने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं आप उसको भी जरूर विजिट करें हमारे इसी चैनल पर. और ऐसे आने वाले सभी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. मैं हूँ आपका अपना साइंस गुरु और तब तक के लिए नमस्कार. Take good care of yourself. Goodbye.